जो है यहाँ पर जो है मैं इस शो को डेली देखता हूँ, और यहाँ पर जो सात क्लास में 3 दफे फेल हुआ था उसने बहुत अच्छी बात बोली। वो यही खड़े आए, वो है आओ इधर आओ, भरत जा पैर छू ले जाके, पहले जा जा जल्दी जा पैर छू जाके। अरे मेरे नहीं उनके उनके जा जी जा। मेरा दरख्वास्त है सर, जब इसने जो 7 क्लास में 3 दफे फेल हुआ तो सरकार 15-25 साल फेल हो गई, उनको तो बहुत सोच लेना चाहिए। ये बड़ी दूर की बात कह दी आपने, पहाड़ वाली बात कह दी। बहुत 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 जाओ, मैं आता हूँ जी, बोले जल्दी। सर मेरा कांग्रेस जब से सुप्रीम कोर्ट का उसने खारिज किया सजा 2 साल की, तब से कांग्रेस की पूरी टीम लग गई है ये समझाने में कि निचली अदालत का जो 2 साल की अवधि का जो सजा सुनाई थी वो गलत थी। यहाँ पे सवाल ये नहीं उठता है कि सजा सुनाई कितनी गई है, यहाँ सवाल ये उठता है कि सजा सुनाई किसे गई है। अब सुनिए, 140 साल पुरानी आपकी पार्टी है, उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी पौत्र हैं पूर्व प्रधानमंत्री के, पुत्र हैं पूर्व प्रधानमंत्री के, ऐसा एक जिम्मेदार आदमी उसी देश में जिसमें आपने 56 साल राज किया, उसके एक वर्ग को आप टिप्पणी करते हैं और फिर अहंकार इतना कि अदालत में बोलते हैं आपकी माफी नहीं मांगूंगा। बात तो सारी कह गए, मैं तो कोई बात नहीं, सजा तो मांग। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। मेरा यह कहना था कि किसको दी गई है से ज्यादा बड़ा प्रश्न है किस वजह से दी गई है। वजह बहुत, लेकिन उन्होंने कहा कि कारण नहीं बताया आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कारण नहीं बताया कि 2 साल आपने सजा क्यों दी। मैं अगर अरोड़ा जी आपकी इजाजत हो आज तो मैं स्वाति जी से पूछ लूं, क्योंकि ये हर बार रह जाती हैं और फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है। वेरी क्विक वेरी क्विक। कांग्रेस जैसे पूरी खुशी से लाल होठ हुई जा रही है, लग तो ऐसा आ रहा है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने शाबाशी दी हो, मगर ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ स्टे लगा है और वो गुनहगार थे उन्हें बरी नहीं किया गया। पहली बात, जिस वायनाड की जनता का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही पूरी जनता का हवाला देते हुए मैं कहना चाहती हूं कि संसद को चलने दिया जाए, क्योंकि 10 करोड़ जो रोज खर्चे हो रहे हैं, जिसका टैक्स हमारे कंधे पे है, उसका बोझ हम पे ऐसे ना दिया जाए, कम से कम उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे सामने आए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल जी। राहुल गांधी पता क्या बोल रहे थे अभी, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, आप गाली दो। अच्छा अच्छा अरोड़ा जी, कहीं कोई नफरत का और प्रेम का मोहब्बत का कोई इंजेक्शन होता तो लेके ही आते आप, लगा ही देते। हम तो कह रहे हैं वो गाली दें हम मोहब्बत देंगे, वो पत्थर मारे हम फूल फेंकेंगे, हम तो मोहब्बत नफरत के बाजार में मोहब्बत लेके आए। हाय आपका जी। मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस दोनों तरफ खड़ी रहेंगी और अपनी अपनी बातें कहती रहती हैं। मुझे पूछना यह है कि ये कह रहे हैं कि इनको जो सदस्य जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है इनकी जो खारिज हो गई, इनकी जो निकल गई, ये जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए। क्यों जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए, जब इनके पास थी आप 53% आपकी खुद की अटेंडेंस रही है राहुल गांधी की, 53% तो आप खुद ही रहे हैं पार्लियामेंट में, आपसे ज्यादा तो नेशनल पार्लियामेंट के अंदर नेशनल आपके एमपीज रहे हैं, तो आप है कहाँ। अब पार्लियामेंट में आते हैं आप भारत जोड़ो निकल जाते हैं, पीआरएस लेजिस्लेटिव ये रिसर्च के मुताबिक, आप बताइए कि आप पार्लियामेंट में रहते कितनी देर है, कितने क्वेश्चन आपने पूछे और जितनी बारी क्वेश्चन आपने पूछे सिर्फ मोदी अडानी और इनके बारे में।